I wake up to a little bit of drool on my pillow. So guys, मैं इलेक्ट्रिक रिक्शा पे बैठ गया हूँ इधर उधर भटकने के बाद। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके अगल बगल में है 3-4 टेम्पल और भी है, उसको भी देख लिया जाएगा। उसके बाद फिर मैं चले आऊँगा 80 घाट। 80 घाट में सामने जो है उसका ये देख लिया जाएगा। उसके बाद जो अगर मौका मिला तो बोटिंग वगैरह भी कर लिया जाएगा। ये भाई के साथ में मैं जा रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम भरत कुमार बिंदु है। ये भरत भाई है। भरत भाई आप यहीं से हो ना, बनारस से? जी, मैं बनारस से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा ये भरत भाई बनारस से ही बिलोंग करते हैं, इसी का मैं ई रिक्शा में जा रहा हूँ। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care. So guys, here I get BHU. तो गाइस मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो अंदर तो जाना मना है कैंपस के अंदर, तो मैं ये बाहर से दिखा देता हूँ। ये महिला महाविद्यालय है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्टेशन लगा हुआ उधर। यूनिवर्सिटी के बीचों बीच रोड निकलता है ना ये रोड। ये रोड क्या कहाँ निकलेगा? ये रोड इसी तरह पूरा कैंपस के इधर से ऐसे घूमता है। अच्छा अच्छा मेरा कॉलोनी। ये लगभग कितने एरिया में होगा ये जियो? पाँच छः किलोमीटर के रेंज में है। तो गाइस मैं अभी कैंपस के अंदर में हूँ BHU का। ये रिक्शा से ही मैं अभी घूम रहा हूँ, तो देख सकते हो अच्छा लग रहा है। ठंडा हुआ एकदम है, रात का छांव है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। BHU का एक फैक्ट है, जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था तो उस वक्त तो मैं जब एग्ज़ाम दिया था BHU का, सिलेक्शन तो मतलब फर्स्ट में नहीं हुआ था, वेटिंग लिस्ट में नाम आया था मेरा BHU में LLB में। तो उसके बाद लगभग एक महीने बाद लगभग जो है कि आ गया, एक महीने बाद लिस्ट में नाम आया, तो वो फिर मुझे तो फिर मुझे जाके मेल मिला कि आप आके एडमिशन ले सकते।
मेल था लेट से देखा, प्लस यहाँ अपना जानने वालों में से कोई था नहीं, तो इस वजह से मैं एडमिशन नहीं लेगा। ये फैक्ट था, तो मैंने समझा कि आप लोगों को ये बात शेयर कर दूँ। अगर एडमिशन ले लिया होता तो मैं तो यहाँ के बारे में सारा पूरा डिटेल बता पाता, क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और 7 किलोमीटर के रेंज में है ये बीएससी फैला हुआ हॉस्पिटल प्लस पूरा यूनिवर्सिटी। साफ सफाई भी किया जा रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल। सो गाइस ये बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर का ये टेंपल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये मेन एंट्री गेट है। ये साइड में पूरा शॉप वगैरह खाना पीने का, और इधर भी शॉप सब है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का है, ये देख सकते हो। टेम्पल में तो उतना भीड़ नहीं है, सो गाइस टेम्पल में तो उतनी भीड़ नहीं है, अभी कम ही लोग हैं, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना आपको और सब एरिया में, यहाँ उतनी भीड़ नहीं है। सो ये रहा, पूरा टेम्पल मदन मोहन मालवीय। ये मदन मोहन मालवीय जी का स्टेच्यू है, ये देख सकते हैं। ये लॉकर वगैरह भी बना हुआ, अगर सामान वामान रख सकते हो उधर, लॉकर बना हुआ है, इधर शू वगैरह रखने का जगह है, ये सब रख सकते हैं। सो गाइस मैं तो दिखा दिया टेंपल आप लोगों को बाहर से ही, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकूंगा। आप लोग ज़रूर आना यहाँ पे, ये बीएचयू का अंदर का टेंपल है। तो मैं अब चलता हूँ आगे, देखता हूँ और कौन कौन सा टेम्पल है इसके अगल बगल, वहाँ पर ले चलता हूँ आप लोगों को। गार्डनिंग वगैरह भी अच्छा किया हुआ है,
ये गेट है टेंपल का। I wake up to a little bit of drool on my pillow.